दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है अगर आपके YouTube चैनल पर व्यूज़ नहीं आता है। मतलब अगर आपके पास एक म्यूजिक वाला चैनल है और आप उस पर हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ वीडियो यहाँ पर ओपन किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 मिलियन व्यूज़, 140K व्यूज़, यहाँ पर देखिए बहुत ढेर सारा व्यूज़ मिला, आपको भी मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपका चैनल कैसे ग्रो होगा और कैसे व्यूज़ मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिला है उस वाले वीडियो पर क्लिक करते हैं। ओके, चलिए मैंने इसे बंद कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैं यही बात आपको हज़ार बार बोलता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हैज ओल्ड डीजे सॉन्ग, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, हैज ओल्ड डीजे सॉन्ग। दोस्तों ये एक वायरल टैग है, मतलब हैश टैग, आपको ये म्यूजिक के टाइटल में लास्ट में आपको देना ही होगा। ओके, रात को आऊँगा मैं तुझे ले जाऊँगा मैं, अगर आप YouTube में ये सॉन्ग सर्च करके अगर आप व्यूज़ देखते हैं तो दोस्तों उस पर करोड़ों व्यूज़ आए रहते हैं। एक नए चैनल पर जो कि स्टार्टिंग में चैनल बनाते हैं उनके वीडियो पर ये दोस्तों बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब दोस्तों हैशटैग का कमाल है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ढेर सारा हैशटैग है, चाहे तो आप इन्हें कॉपी करके आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों याद रहे, आपको थंबनेल पर भी हार्ड वर्क करना है, मतलब एक थंबनेल आपको बनाना है म्यूजिक वाला और उसे अट्रैक्टिव दिखाना है अपने व्यूवर्स को, मतलब अच्छे से उसे बनाना। देखिए दोस्तों, अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो आपके वीडियो पर कोई जल्दी क्लिक नहीं करेगा, क्लिक करने का चांस बहुत कम रहता है दोस्तों। और आपको टैग तो मैं बता ही दिया हूँ कैसे टैग लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।